आज जिला बांदीपुरा में SRDE नामी NGO ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बांदीपुरा के साथ मिलकर एक प्लांटेशन ड्राइव अमल में लाया। इस मौके पर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बांदीपुरा मोहम्मद मकबूल लोन और उनके साथी मुलाजमीन भी मौजूद रहे। वादा रहे कि इस तरह के प्लांटेशन ड्राइव रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अंजाम दिए जा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए SRDE NGO से वाबस्ता डॉक्टर शेख गुलाम रसूल ने पौधों की अहमियत और हिफाजत को उजागर करते हुए कहा कि पौधे लगाना माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग ये बहुत सालों से प्लांटेशन कर रहे हैं और इसका एक ख़ास मकसद ये है, जो वादी के हालात रहे हैं तो इन हालात में हमारे यहाँ जंगल वो ज़्यादा अहम नहीं रहा। तो हम लोगों ने ये प्लांटेशन शुरू इसलिए की कि हम फॉरेस्ट की अहमियत और फॉरेस्ट कंजर्वेशन की अहमियत लोगों के शऊर में घुसाएँ। और ये प्लांटेशन हम लोगों ने स्कूल फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये हमने पीर पंचाल से शुरू की थी और इस साल हम पहली दफ़ा बांडीपुरा ज़िला में आ गए हैं। और बांडीपुरा ज़िला में हमारी ये प्लांटेशन का मकसद ये है कि जो सॉइल इरोजन्स यहाँ होते रहते हैं और सिलिट लेकर जो यहाँ के नाले वलर में डालते हैं और वलर फिलअप हो रहा है, तो इसका ख़ास मकसद कि लोग बहुत शोर मचा रहे हैं कि वलर जो है ये डिसअपियर होने जा रहा है, इस पर इनक्रोचमेंट हो रही है, सिलिट जमा हो रहा है। तो लेकिन हम लोग, हमारी प्लांटेशन का मकसद ये है कि जो अल्टीमेटली सॉइल ओरिजिनस है तो उनको रोकने के लिए एफॉरेस्टेशन करनी बहुत ज़रूरी है।